ये हमारे पास है लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर इस वीडियो में हम इन दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखेंगे पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही थर्मोमीटर लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब से बने हुए होते हैं बट डिफरेंस ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से काफ़ी छोटा होता है इफ़ वी मेजर लेंथ ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स एंड द लेंथ ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स सिमिलरली द क्लिनिकल थर्मामीटर इज थिनर देन द लेबोरेटरी थर्मामीटर. दोनों थर्मोमीटर्स के एक एंड पर बल्ब होता है और दोनों के बल्ब में मर्करी मेटल भरी होती है बट नावाडेज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एल्कोहल भी भरा हो सकता है दोनों थर्मोमीटर्स की जो ग्लास ट्यूब है उसमें एक थिन कैपिलरी होती है जिसे मर्करी थ्रेड बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मर्करी थ्रेड होता है वो बल्ब की थोड़ी ऊपर मुड़ा हुआ होता है जिसे किंक बोला जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोनों थर्मोमीटर्स में इस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर में कैपिलरी बैंड हुई होती है और लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो कैपिलरी होती है उसमें कोई बैंड नहीं होता वो स्ट्रेट होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर के दो स्केल्स होते हैं फर्स्ट होता है फारानाइट स्केल जिसकी रेंज 94 डिग्री फारानाइट से 1.08 डिग्री फारानाइट तक होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो सेल्सियस स्केल होता है उसकी रेंज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस तक होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर का एक ही स्केल होता है जिसकी रेंज माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन वन जीरो डिग्री सेल्सियस होती है इट मीन्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर से काफी लो टेम्परेचर से काफी हाई टेम्परेचर तक मेजर किया जा सकता है टेम्परेचर नोट करते टाइम क्लिनिकल थर्मामीटर को बल्ब वाले एंड से होल्ड नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इस तरह से पकड़ा जाना चाहिए थर्मामीटर शुड बी पुट इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इफ इट इज नॉट इन यूज क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने से पहले इस तरह से होल्ड किया जाना चाहिए और कुछ जग्स दिए जाने चाहिए बिकॉज द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क डाउन बिलो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस तरह से पेशेंट की टंग के नीचे रखा जाता है और एक मिनट बाद इस तरह से टेम्परेचर को नोट किया जाता है टेम्परेचर नोट करते टाइम थर्मामीटर को इस तरह से होल्ड किया जाना चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लाइक टेम्परेचर ऑफ एसिड्स और टेम्परेचर ऑफ वाटर एक्सेट्रा लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करते टाइम इस तरह से होल्ड किया जाता है और किसी हॉट सोल्यूशन में अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर को रखा जाता है तो इस तरह से टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई देता है ये आप देख सकते हैं राइजिंग टेम्परेचर इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर को किसी हॉट सोल्यूशन से बाहर निकाला जाता है तो इस तरह से फॉलिंग टेम्परेचर हम देख सकते हैं This is the end of the video. Please subscribe, share and like. Thanks for watching.